नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी आज हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले की। जी आज सोनभद्र जिले में रोडवेज की बस को सोनभद्र से ओबरा तक ना चलाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, बाहुबली ब्रजेश सिंह के नाम से ये धमकी भरा वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, रोडवेज के बस ड्राइवर पांडे ने बताया है कि उन्हें धमकी दी गई है कि सुबह 5 बजे से लेकर के 1 बजे तक कोई भी रोडवेज की बस ओबरा तक नहीं जाएगी, जिसको लेकर के अब पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आइए बताते हैं आपको अब क्या कुछ कार्रवाई में लगी हुई है पुलिस। माफिया ब्रजेश सिंह के नाम पर यूपी रोडवेज बस ड्राइवर को धमकी, कहा इस वक्त नहीं चलेगी बस। पीड़ित यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर अरुण कुमार पांडे ने कहा है कि उनकी बस वाराणसी से ओबरा के लिए बस चलती है। ओबरा में निजी बस के संचालक ने उसने धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार भले ही माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन माफियाओं के हौसले अब भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला यूपी के सोनभद्र जिले का है, जहां पर यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर को वाराणसी के पूर्व MLC और माफिया ब्रजेश सिंह के नाम से धमकी मिली है। धमकी में ड्राइवर को कहा गया है कि वाराणसी से ओबरा के बीच सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बस नहीं चलाने को कहा गया है। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबंधित सेवा के संचालक और परिचालक को ब्रजेश माफिया के गुर्गे ने धमकी दी है। धमकी देने वाला निजी प्राइवेट बस का संचालक है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर के मुताबिक वो वाराणसी से ओबरा के बीच बस चलाता है। ओबरा में निजी बस के संचालक व उसके लोग ब्रजेश सिंह की बस क्षत्रिय के सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बस को नहीं चलाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि ब्रजेश सिंह की बस है, इसके आगे या पीछे कोई रोडवेज की बस नहीं चलती है। रोडवेज बस ड्राइवर को धमकी। ड्राइवर ने कहा कि इस धमकी को सूचना हमने मोटर मालिक और अधिकारियों को भी दी है। वहीं इस बारे में जब सोनभद्र डिपो के इंचार्ज से बात की गई, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी की जानकारी मीडिया के जरिए लगी है। वो इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जिसके बाद निर्देश मिलने पर संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज कराई जाएगी। पीड़ित यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि उनकी बस वाराणसी से ओबरा के लिए बस चलती है। ओबरा में निजी बस के संचालक ने उसने धमकी दी है। उसने खुद को ब्रजेश सिंह का गुर्गा बताया। उसका कहना है कि जिस बस को वो चलवाता है माफिया ब्रजेश सिंह की है, इसलिए इसके आगे या पीछे कोई रोडवेज की बस नहीं चलेगी। उन्होंने हमें सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बस नहीं चलाने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इस मामले में सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में संज्ञान में आया है और इसमें कोई किसी का नाम लेकर किसी को धमकी दे रहा है तो इसकी पड़ताल की जाएगी। अगर रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी थाने में कोई तहरीर देते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और वीडियो का भी सत्यापन किया जाएगा। ये वीडियो कब का है, इस जिले का है या दूसरे अन्य जिले का, अगर सत्य पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।